शाहिद कपूर की वाइफ मीरा कपूर का अपना एक अलग फैन बेस है। मीरा अक्सर अपने इंस्टा पर कई सारे स्किन रिलेटेड वीडियो शेयर करती रहती है। इसके अलावा वो अकाइंड नाम से खुद का एक स्किन केयर ब्रांड भी चलाती है। मीरा कपूर ने शाहिद कपूर से साल 2015 में शादी की थी। साल 2016 में 21 साल की उम्र में मीरा एक बच्चे की माँ बन गई थी। वहीं मीरा को भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलते हुए बहुत ही कम ही सुना होगा आपने, लेकिन हाल ही में मीरा ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में प्रेगनेंसी में झेली गई दिक्कतों के बारे में बात की। मीरा ने बताया कि जब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने उनसे कह दिया था कि वो अपना बच्चा खो सकती है। मीरा ने प्रखर गुप्ता को दिए इंटरव्यू में कहा कि सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर और शाहिद काफी परेशान हो गए थे। शाहिद ने उनसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तुम लेट ही रहना। इसके बाद शाहिद ने मीरा को बताया कि उनका गर्भाशय फैल गया है और उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। मीरा ने बताया कि इसके बाद वो करीब 2.5 महीने तक अस्पताल में भर्ती रही। इस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ भी प्रभावित रही। मीरा अस्पताल में इस कदर परेशान हो गई थी कि वो घर जाना चाहती थी। शाहिद ने डॉक्टर से बात की और कहा कि वो मीरा को घर पर ही अस्पताल जैसा माहौल देंगे और उनका पूरा ध्यान रखेंगे। हालांकि जब मीरा घर पहुंची तो फैमिली ने उन्हें सरप्राइज दिया और वो इमोशनल हो गई। मीरा को कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया। हालत इतनी खराब हो गई कि मीरा को फिर अस्पताल जाना पड़ा। इसके बाद मीरा ठीक होकर घर आई और शाहिद ने उनका घर पर ही खूब ख्याल रखा। 26 अगस्त 2017 को मीरा ने अपने पहले बच्चे बेटी मीशा को जन्म दिया। मीशा के जन्म पर डॉक्टर ने उन्हें मिरेकल बेबी बताया। ऐसी ही न्यूज से अपडेट रहने के लिए वायर टॉक को सब्सक्राइब करें।